वेलकम टू आर एक्स फार्मा चैट तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने फुट लम्ब्स को ठीक कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद मैं अगले सेक्शन में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि हमारे पैर की स्ट्रेंथिंग के लिए हमारे पैर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनकी मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए ताकि प्रॉपर हमारे पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन होती रहे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पैर को नहीं होती कोई भी गांठ हमारे पैर में नहीं बनती तो वो एक्सरसाइज में आपको लास्ट में बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे घरेलू उपचार है जिससे हमारे फुट लम्ब जो है वो ठीक होने में हमारी मदद करते हैं सबसे पहले है ऑलिव ऑयल ओलिव ऑयल जो होता है ये कोन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है ओलिव ऑयल को आपने कॉटन के ऊपर लगाना है और कॉटन के साथ हल्के हल्के अपनी गांठ पे लगाना है रेगुलर इसका यूज़ कीजिए कंटिन्यू आपको इसको अपने लम्ब पे, फुट लम्ब्स पे आपको अप्लाई करना है कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वो जो लम्ब्स है ये सॉफ़्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये वहाँ से चली जाएगी तो सेकंड है यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर विनेगर का कैसे यूज करना है इसके लिए हमने क्या करना है वन स्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उसमें टू ड्रॉप्स हमने डालनी है यहाँ पे टी ट्री ऑयल तो टी ट्री ऑयल आपको किसी मेडिकल शॉप पे या मार्केट में इजीली मिल जाता है टू ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल की एप्पल साइडर विनेगर में मिक्स कर लेनी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद कॉटन की हेल्प से आप अपने फुट लम्ब्स पे इसको अप्लाई कीजिए आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी पेन और वहाँ की जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग है वो जाती रहेगी और अगर कॉन्टिन्यू आप इसका यूज करते हैं तो फुट लम्ब्स रूट से मतलब उनकी जड़ों से ही ये ठीक कर देता है थर्ड वन है टर्मरिक हल्दी के बारे में तो आपने सुना ही है हल्दी जो है ये इजिली हमारे किचन में मिल जाती है और हल्दी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक करने में हेल्प करती है हल्दी जो होती है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसको एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है तो टर्मरिक को हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे एक स्पून हमने टर्मरिक का लेना है और उसमें हमने शहद ऐड करना है अगर आपको नेचुरल हनी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे आपने उतना हनी ऐड करना है जिससे कि एक पेस्ट की तरह यहाँ पे हमारी रेमेडी तैयार हो जाए तो जब ये टर्मरिक हनी को ऐड करके एक पेस्ट सा बन जाए उसके बाद आप अपनी लम्ब पे इसको अप्लाई कीजिए आप देखेंगे कि दो तीन दिन में ही वहाँ की इन्फ्लामेशन आपकी पेन वहाँ से जाती रहेगी और जो भी आपको यहाँ पे हार्डनेस uh, फील हो रही है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही है अपनी लम्ब पे वो सॉफ़्ट हो जाएगी और धीरे धीरे रेगुलर रे इसका यूज़ करने पर आपकी लम्स वहाँ पर रिलीफ हो जाएगी फोर्थ वन है सेलिसलिक एसिड सेलिसिक एसिड भी हमारे जो फुट कोन्स होते हैं फुट जो लम्ब होते हैं इनको ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो आपको यहां पे क्या करना है सेलिसलिक एसिड को गर्म पानी में मिक्स करके यहाँ पे एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है और डायरेक्ट कॉटन के साथ आपको यहाँ पे अपनी फुट लम्ब पे लगाना है तो इसका भी रेगुलर यूज करने पर आपको दो तीन दिनों में ही इसका इफेक्ट दिख जाएगा कि आपका ये कोन है जो भी आपकी फुट लम्ब है वहां पर जाती रहेगी है हमारे पास आइस आइस जो है हमारे इंफ्लामेशन को हमारी पेन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है लेकिन जो अर्थराइटिस के पेशेंट है उनको आइस से प्रॉब्लम होती है इसलिए वो इस रेमेडी को यूज ना करें तो यहां पे आपको क्या करना है या तो आप आइस क्यूब को एक कॉटन के कपड़े में लपेट लीजिए आइस पैक का यूज भी आप कर सकते हैं नहीं तो आइस को आप क्रैश करके यहां पे कॉटन के कपड़े में लपेट के आप इसकी सिकाई अपने लम्स पे कीजिए आप देखेंगे कि वहां की जो पेन है वो स्टिफनेस है वो जाती रही क्योंकि इस कंडीशन में हमारी

वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो हमारे पैर की स्ट्रेंथिंग के लिए हमारी जो फुट लम्ब्स हो गए उनको रिलीव करने की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो आप इनको डेली बेसिस में इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी पैर की स्ट्रेंथिंग के लिए हमारी पैर की जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से चेयर पे बैठेंगे उसके बाद अपने टोज़ को हमने इस तरीके से स्ट्रेच करवाना है ऊपर नीचे एंड देन टोज़ के बल हमने अपने पैरों को स्टैंड करना है देखिए इस तरीके से यहाँ होल्ड करके भी हम रख सकते हैं अपने पैरों को तो ये एक्सरसाइज आपने रेगुलर करनी है कॉन्टीन्यू करनी है तो इससे हमारे जो मेटाटार्सल्स हैं जो भी हमारी पैरों की टोज हैं उसकी फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है तो कम से कम यहाँ पे चांसेस होते हैं हमारे जो टोज़ के साइड में या फिर टोज़ के ऊपर हमारे ये लम्स हो जाते हैं तो एट से नाइन रेपिटेशन एक टाइम में आपको करने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से एक दुपट्टा फर्श पे फ्लोर पे बिछा लेंगे चेयर पे बैठ के इसको अपने फुट के टो से इस तरीके से इकट्ठा करना है हमने देखिए यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी फुट की टोज़ की होएंगी तो वन बाय वन आपने दोनों फुट से आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो फाइव मिनट कंटिन्यू आपको ये एक्सरसाइज करनी है देखिए आप दोनों पैरों से इकट्ठे भी कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और ये फुट लम्ब से हमें रिलीव करती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से हम अपनी आगे वाले पैर को बैंड करके ये एक्सरसाइज करेंगे इसमें एक्ली टेंडन की जो हमारी पिंडलियों में होती है तो उसकी एक्सरसाइज इसमें हो रही है तो देखिए इसमें जो हमारे एंकल के ऊपर हमारी एड़ियों के ऊपर जो भी लम्ब होते हैं फुट लम्ब्स हो जाते हैं उससे हमें रिलीफ होता है ब्लड सर्कुलेशन इससे हमारी जो एक्ली टेंडन में हल्की हल्की पेन होएगी खिंचाव पड़ेगा जब ये एक्सरसाइज आप करोगे यहाँ होल्ड करके आप रख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव टू एट मिनट कंटिन्यू आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये हमारे एक्लीस टेंडन की स्ट्रेंथिंग के लिए स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से हम वॉल पे अपनी एड़ियों को सटा के इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और अपनी जो फुट की टोज है उसके बाहर हम पूरे स्टैंड होएंगे तो ये फुट की टोज़ के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग ये हमारे फुट को प्रोवाइड करती है तो ये एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं दिन में किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने फाइव से एट मिनट कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है तो देखिए इस तरीके से आपको जैसे आप चलते हैं पहले पैर को और दूसरे पैर को इस तरीके से उठाना है तो यहाँ पे फुल जो फुट है हमारा फुल पैर की हमारी एक्सरसाइज हो रही है और टोज़ की जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे फुट लम्ब बिल्कुल यहाँ पे हमारे पैर में नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे फुट की जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पर इंक्रीज होती है तो ये एक्सरसाइज आप डेली कीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से एक बॉक्स ले लेंगे उसको फ्लोर पे रख के उसके ऊपर खड़े होकर हाफ पैर आगे की तरफ और हाफ पैर पीछे की तरफ रखेंगे तो इस तरीके से हमें सिट और स्टैंड करना है अपने पैरों को प्लांटर फेसिया की स्ट्रेंथिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है नाइन टू टेन रेपिटेशन इसकी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चेयर पे इस तरीके से बैठ जाएंगे एक पैर को जिसे एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वो ऊपर की तरफ हम रखेंगे इस तरीके से तो देखिए अपने हाथ से फिंगर को और पैर को हमने ऑपोजिट साइड में खींचना है इतनी ज़्यादा नहीं खींचना है कि आपको खुद से आपको कोई चोट लग जाए तो ये स्ट्रेच करेंगे हम अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ बाहर की तरफ वन बाय वन एक पैर से जैसे करेंगे सेकंड पैर से भी वैसे ही करेंगे तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथिंग strength, एक्सरसाइज है ये हमारे प्लांटर फीसिया के लिए हमारी एक्सटैंड के लिए और हमारे फुट की टोज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है तो ये हमारे फुल पैर को स्ट्रेंथन प्रोड्यूस करती है प्रोवाइड करती है चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ एक कोई भी आप इलास्टिक की बेल्ट ले सकते हैं कॉटन का दुपट्टा इस तरीके से रोल करके ले सकते हैं तो इस तरीके से फ्लोर के ऊपर बैठ के आपको पैर को स्ट्रेच करवाना है उस दुपट्टे के सहारे से जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रखा है फाइव मिनट कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को वन बाई वन पैर से कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने पैरों को आगे पीछे आप स्ट्रेच करवाएंगे ये एक्सरसाइज रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है आपके पैरों को रिलैक्सेशन मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है आपकी फुल फुट की यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है तो ये भी फुट लम्ब्स को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फुट लम्ब्स हमारे तभी होते हैं जब हमारे पैरों के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है तो इस तरीके से रेगुलर जब ये एक्सरसाइज़ हम करेंगे हमारे पैरों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी जिससे फुट लम्ब्स जो होते हैं वो रिलीफ हुएंगे और हमारे पैरों में फुट लम्ब्स हुएंगे ही नहीं तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है तो चारों तरफ अपने पैरों को घुमाना है आगे पीछे लेफ्ट राइट और अपने टोज को इस तरीके से आगे पीछे स्ट्रेच कराना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से फ्लोर हो के ऊपर खड़े होके आपको अपने जो पैरों के थम्स होते हैं उसको पहले ऊपर की तरफ उठाना है और अपनी जो बाकी टोज हैं फोर वो आपको फर्श के ऊपर इस तरीके से सटा के रखनी है और एक टाइम में आपको अपनी चारों जो टोज है स्मॉल टोस उसको आपने ऊपर उठाना है और थम्स को आपने नीचे रखना है देखिए इस तरीके से जैसे मैंने वीडियो में आपको बता रखा है तो सेम आपने इसी तरह ये एक्सरसाइज करनी है होल्ड करके यहाँ पे आप रख सकते हैं अपने थम्स को एंड देन अदर जो टोज हैं हमारे वन बाय वन तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से फर्श के ऊपर खड़े होके आपको एक पैर से ये एक्सरसाइज करनी है टोज़ को बिल्कुल आपको यहाँ पे स्ट्रेच करवाना है और एडी को बिल्कुल आपको सीधे रखना है ऊपर की तरफ देखिए वन बाई वन एक बार आपको अंदर की तरफ स्ट्रेच कराना है एक तरफ आपको एक बार बाहर की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करवाना है टोज को स्ट्रेच करवाना है तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हमारे पैर को स्ट्रेंथन देने के लिए स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्लीज डू दिज एक्सरसाइज डेली नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे इस तरीके से जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे हम बैठ जाएंगे और अपनी फिंगर्स को अपनी जो फुट की टोज है उसको आगे की तरफ स्ट्रेच करवाएंगे देन रिलैक्स करेंगे पीछे की तरफ पैरों को करके देन आगे की तरफ इस तरीके से हम स्ट्रेच करवाएंगे देन उसके बाद रिलैक्स करेंगे तो इसको भी आपने फाइव से एट मिनट के लिए आपने रिपीट करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर माई वीडियो